हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आइए बच्चों, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। देखिए बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा एरर के बारे में बताया कि भाई एरर होती क्या है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, एरर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एरर को हम किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस की बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताई न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ एरर, और न्यूमेरिकल एनालिसिस में एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सभी एरर्स को मैंने आपको निकालना सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होंगे, और जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो आज तक अपना पूरा क्वेश्चंस करने के बाद में मुझे पीडीएफ बनाकर सेंड करें बेटा, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट, आइए हम बढ़ाते हैं अपना लेक्चर आगे, और अभी हम बात करेंगे एरर के एक नए कॉन्सेप्ट की। मतलब एरर का एक कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ भी आ गया होगा बेटा। अब हम बात करेंगे एरर के एक नए कॉन्सेप्ट की, और नए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है ज़रा समझिएगा। नए कॉन्सेप्ट का नाम है एरर इन एरर्स इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, एरर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो एरर आती है वो क्या होगी, कंसेप्ट है बेटा हमारे पास में एरर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है पहले मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स में आप जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं, फिजिक्स में जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एनर्जी, दीज आर क्वांटिटीज आर कॉल्ड, जितनी भी ये क्वांटिटीज़ हैं इन सबको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में पढ़ी जाने वाली सभी क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया जाता है बेटा। अब हमें उसी फिजिकल क्वांटिटी में ये बताना है कि एरर क्या होगी। देखिए, आप ये देखिए स्टूडेंट कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो लिखने का तरीका है हमारे पास में, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका है, ध्यान से, एक्स मान लेते हैं कि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसे लिखने का तरीका है बेटा हमारे पास में ये a प्लस माइनस डेल्टा a, ये हमारे पास में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका है। x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। x क्या है भैया, यहाँ पर x है बेटा हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी, x है हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी, a क्या है भैया यहाँ पर, इस ए को हम बोलते हैं बेटा, बहुत ध्यान से आपको हमारी बात सुननी है, इस ए को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, या इस ए को हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। और ये जो डेल्टा ए आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा यहां पर, इस डेल्टा ए को हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैं सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका हमारे पास में ये है, a प्लस माइनस के डेल्टा a, a का मतलब है ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू, x का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, और हमारे पास में ये जो डेल्टा a है बेटा इसका मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर। आप एग्जाम्पल के तौर पर ना ये देखिए बेटा, एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट से आप कोई पैकेट खरीदने के लिए गए, आप मार्केट से कोई पैकेट परचेज करने के लिए गए, आप जैसे ही शॉप के ऊपर पहुंचे, शॉप कीपर ने उठाकर आपके हाथ में एक पैकेट रख दिया, उस पैकेट पर ना कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पैकेट पर लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, ये शॉप कीपर ने उस पैकेट के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब आप समझिए बेटा इसका मतलब क्या है, शॉप कीपर ने पैकेट के ऊपर ये लिखा हुआ है, अब आप समझिए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ लिखा हुआ है 5 बेटा, 5 का मतलब ये है कि उस पैकेट की जो ट्रू वैल्यू है, यानी जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होकर आया है, जहाँ से वो बनकर आया है, वहाँ से कहा गया है कि भाई इसके अंदर 5 किलोग्राम का कोई भी सामान है, पैकेट के अंदर 5 किलोग्राम का कोई भी सामान है,
लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, गलती हम लोगों से हो सकती है। तो प्लस माइनस 0.1 केजी का मतलब यह है कि वैसे तो इसके अंदर 5 केजी का सामान है, लेकिन 0.1 केजी ज़्यादा भी निकल सकता है। अगर प्लस आया तो 0.1 केजी ज़्यादा निकल सकता है, और माइनस आया तो 0.1 केजी कम निकल सकता है। यानी कोई भी एक्सपेंसिव सामान अगर आप किसी भी शॉप के ऊपर परचेज करने के लिए जाएंगे ना बेटा, तो हर पैकेट के ऊपर कुछ इस तरीके की क्वांटिटी लिखी रहती है, 5 प्लस माइनस के 0.1 किलोग्राम या कोई और क्वांटिटी जो भी उसके ऊपर नंबर रहा होगा। 5 का मतलब है कि इसका एक्चुअल वेट तो 5 किलोग्राम है, यानी मैं आपसे जो पैसा वसूल रहा हूँ वो 5 किलोग्राम का पैसा मैं आपसे वसूल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर 0.1 केजी ज़्यादा भी निकल जाए या 0.1 केजी कम भी निकल जाए। यानी घर जाकर अगर आपने इसे मेज़र करके देखा तो ये 5.1 केजी भी निकल सकता है और ये 4.9 केजी भी निकल सकता है। तो ऐसे हम लोग कहीं भी एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहेंगे भैया ट्रू वैल्यू हो गई हमारे पास में 5 केजी, और हमारे पास में जो एरर हो गई है बेटा, एरर को हम शो करेंगे डेल्टा ए से। डेल्टा ए वो हो गई है हमारे पास में 0.1 केजी, यानी एक्चुअल वेट तो 5 केजी है लेकिन 0.1 केजी ज़्यादा भी निकल सकता है, 0.1 केजी कम भी निकल सकता है। ये जो डेल्टा ए मैंने आपके सामने लिखा है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा मीन वैल्यू। आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू हमारी कहलाएगी मीन वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू हमारी कहलाएगी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं आपको ज़रूर समझ आया होगा। ए का मतलब है कि उसका एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और प्लस माइनस डेल्टा ए का मतलब है कि जो उस पैकेट के अंदर सामान है वो ज़्यादा भी निकल सकता है और कम भी निकल सकता है। अगर ज़्यादा निकलता है तो वैल्यू आएगी ए प्लस डेल्टा ए, और अगर कम निकलता है तो वैल्यू आएगी ए माइनस के डेल्टा ए। पहले आप इसे नोट करिए, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आप कंसेप्ट को बढ़िया करके समझ जाएँ बेटा। कर लीजिए पहले आप लोग इसे नोट आउट। देखो बेटा, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे पास में। आप देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में आता है, ए इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि आप मार्केट से कोई स्केल परचेज करने के लिए गए। भैया स्टूडेंट हो, स्केल की तो बार बार ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। आप मार्केट से कोई भी स्केल परचेज करने के लिए गए, और स्केल के ऊपर जो लिखा हुआ है कि जो उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्केल, स्केल की जो लंबाई है वो इतनी है, ये स्केल के ऊपर लिखा हुआ है। अब इस वैल्यू को देखकर हम क्या पता लगाएंगे, ये जो वैल्यू हमारे सामने है बेटा, इस वैल्यू को देखकर हम क्या पता लगाएंगे, हम ये कहेंगे कि भैया उस शॉपकीपर ने स्केल की जो ट्रू लेंथ बताई है, ट्रू लेंथ यानी जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, ट्रू लेंथ वो है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। स्केल की जो ट्रू लेंथ है वो ये है 2 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि मतलब शॉपकीपर बड़ा ईमानदार टाइप है, उसने पहले ही कह दिया देखो यार जो पीछे से मेरे पास में ये स्केल आया है इसकी लंबाई मुझे वहाँ भी 2 सेंटीमीटर बताई गई है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब तुम घर जाकर इसे मेज़र करके देखो तो ये 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा निकल जाए या 0.1 सेंटीमीटर कम निकल जाए, और अगर ये 0.1 या 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा या 0.1 सेंटीमीटर कम निकलता है तो मेरी इसके अंदर कोई गलती नहीं होगी। तो ट्रू लेंथ हो गई हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास में एरर है बेटा, एरर इन लेंथ, लेंथ के अंदर जो हमारे पास में एरर है वो है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, यानी वो ज़्यादा भी निकल सकती है, वो कम भी निकल सकती है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो ट्रू लेंथ आई है ना, हम लोग इसे मीन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, हम लोग इसे मीन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एरर आई है लेंथ के अंदर, हम लोग इसे मीन एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं, मीन एब्सोल्यूट
एरर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। अब उसने हमें कहा कि भाई आप एक काम करो, आपने ट्रू लेंथ तो निकाल ही दी है, आपने एरर भी निकाल दी है, अब आप हमें निकाल कर दिखाओ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कितनी होगी। तो बेटा ऐसा है, रिलेटिव एरर निकालने का जो तरीका है अपने पास में, रिलेटिव एरर निकालने का तरीका है मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे मीन वैल्यू से। ध्यान रखिएगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर को ऊपर रखेंगे और मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी पीछे वाले नंबर को रखेंगे ऊपर, आगे वाले नंबर को रखेंगे नीचे, तो ये निकल जाएगी हमारी रिलेटिव एरर। अब बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इतना ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, और अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, यानी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी तो पहले दोनों की यूनिट को सेम बनाओ, उसके बाद में काम आगे बढ़ाओ बेटा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 1/20, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ये हो गई है बेटा हमारे पास में रिलेटिव एरर। इसके बाद नंबर टू पर हम लोगों को चाहिए परसेंटेज एरर। बेटा ध्यान से, इसके बाद जो अगले नंबर पर हम लोगों को चाहिए वो चाहिए परसेंटेज एरर, यानी कितने परसेंट की एरर है, यानी हमें शॉपकीपर ने जो सामान बेचा है उसमें कितने परसेंट की एरर है। टोटल सामान उसने हमें 100% बेचा है, उस 100% में से कितना सामान उसने हमें ज़्यादा दिया है या कितना कम दिया है। भाई जब अगर एरर आएगी तो क्या तो सामान हमें ज़्यादा मिलेगा या सामान हमें कम मिलेगा, तो हमें ये बताना है कि जो एरर आई है वो सामान हमें ज़्यादा मिला है या कम मिला है। तो हम लोग निकालेंगे बेटा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने का तरीका ये है कि हम रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये जो रिलेटिव एरर हमारी निकल कर आई है ना बेटा 1/20, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा अपने पास में रिलेटिव एरर है 1/20 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट किया, हमारे पास में निकल चुका है 5%, यानी हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज एरर है 5%। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी तुमने यहाँ लिख रखी है ना 2 ± 0.1 cm, तुम इसे अब ऐसे भी लिख सकते हो 2 ± 5%, यानी ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। पहले वो परसेंटेज में लिखी हुई नहीं थी, अब उसे हमने परसेंटेज में लिख दी है, यानी ये 2 है हमारे पास में और यहाँ है प्लस माइनस के 100%, यानी ट्रू वैल्यू है 2 cm, और ± 5% का मतलब ये है कि इस 2 cm में 5% वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है या 5% वैल्यू कम भी हो सकती है, यानी तुम्हें फ़ायदा भी हो सकता है और तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो तरीका होगा बेटा हमारे पास में वो ये होगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बात समझ आई हो। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा और उस एग्जांपल के बाद फिर आपको कोई डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। देखिए बेटा, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास में क्या है, हम बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3 में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है बेटा मास, कैपिटल एम मींस मास, ठीक है। अब मान लीजिए कि यार आप शॉप के ऊपर गए और कोई भी सामान आपको ख़रीदना है किलोग्राम के अंदर, कोई भी सामान आपको किलोग्राम में ख़रीदना है, ठीक है। शुगर ख़रीदनी है मान लीजिए किलोग्राम के अंदर, तो मेरे पास में लिखा हुआ है m इज इक्वल टू 10 ± 0.01 kg। लो भैया, शॉपकीपर ने हमें शुगर तोल के दी और शॉपकीपर ने पैकेट के ऊपर लिख दिया कि देखो यार मैं तुम्हें शुगर तो दे रहा हूँ 10 kg, लेकिन अगर इसके अंदर 10 ग्राम या 20 ग्राम या 100 ग्राम ज़्यादा निकल जाए या कम निकल जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी एरर, ह्यूमन एरर हो जाती है। तो फिजिक्स में हम कुछ इस तरीके से उसे लिखते हैं 10 ± 0.01 kg, यानी एक्चुअल वैल्यू तो है 10, यानी जो हमें शॉपकीपर ने सामान दिया है उसका एक्चुअल वेट तो 10 kg है,
लेकिन उसके अंदर 0.01 किलोग्राम ज़्यादा भी निकल सकती है और कम भी निकल सकती है। अगर प्लस आता है तो ज़्यादा निकलेगी और माइनस आता है तो कम निकलेगी। हमें क्या क्या बताना है बेटा, यहाँ पर हमें बताना है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू। ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम है बेटा रेटेड वैल्यू। ध्यान से, ट्रू वैल्यू का दूसरा नाम है रेटेड वैल्यू। ट्रू वैल्यू का तीसरा नाम है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू। ट्रू वैल्यू का तीसरा नाम है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू। और वो हमारे पास में निकल कर आई है 10 kg। ये सब ट्रू वैल्यू है बेटा हमारे पास में। ये सब इसके नाम है, ट्रू वैल्यू, रेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू, 10 kg। यानी उसने हमें 10 kg का सामान दिया है, पीछे यूनिट लगी हुई है 10 kg। ठीक है, अब देखते हैं बेटा एरर कितनी है। एरर इन मास, यानी एरर हो सकती है, कितनी एरर हो सकती है, 0.01 किलोग्राम। इसी को हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी आप ये समझिए कि ट्रू वैल्यू आ गई है हमारे पास में 10 किलोग्राम और मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई है हमारे पास में 0.01 kg। अब नंबर 3 पर हम लोगों को बताना है बेटा रिलेटिव एरर क्या होने वाली है। नंबर 3 पर हम लोगों को बताना है कि भाई रिलेटिव एरर क्या होगी, कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर। वेरी इजी, बहुत आसान। रिलेटिव एरर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। रिलेटिव एरर निकालने का तरीका है कि मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रखेंगे ऊपर। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रखेंगे ऊपर और हम इसे डिवाइड करेंगे मीन वैल्यू से। देखो बेटा ध्यान से, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रखेंगे ऊपर और मीन वैल्यू से इसे डिवाइड करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है ये वाली वैल्यू। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर और इसे हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू। यानी इस वैल्यू को रखेंगे ऊपर और इस वैल्यू को रखेंगे नीचे। चलिए, हमने 0.01 को रखा ऊपर, रख दिया, और 10 को रखा नीचे। ये रख दिया भाई हमने नीचे, पॉइंट हटाया, 2 0 हम लोगों ने बढ़ा दी, तो ये आ गया हमारे पास में 1/1000। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ये कहलाएगी बेटा हमारे पास में रिलेटिव एरर। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। चौथे नंबर पे हमारे पास में आता है परसेंटेज एरर। हम जानना चाहते हैं कि भाई परसेंटेज एरर कितनी होगी यहाँ पर, यानी जो हम लोगों को सामान कम मिला है या ज़्यादा मिला है उसकी परसेंटेज क्या है। जो सामान शॉपकीपर ने हमें ज़्यादा दिया है या कम दिया है उसकी परसेंटेज है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। और परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज एरर निकालने का तरीका है कि रिलेटिव एरर में आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब बताइए रिलेटिव एरर कितनी है आपके पास में। भाई रिलेटिव एरर है आपके पास में 1/1000 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके 100 से, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, आंसर बन गया है हमारे पास में 0.1%। यानी शॉपकीपर ने जो सामान हम लोगों को कम या ज़्यादा दिया है, क्या तो शॉपकीपर को लॉस हुआ है या हमें लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 0.1% का लॉस हुआ है। अगर उसने सामान हमें ज़्यादा दिया है तो शॉपकीपर को लॉस हुआ, और अगर उसने सामान हमें कम दिया तो हमें लॉस हुआ, और इतने परसेंट का हमें लॉस हुआ। अब इस मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, शॉपकीपर ने हमें सामान दिया 10 kg और प्लस माइनस इसके अंदर एरर है 0.1%। हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आई हो बात, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है बेटा। यानी एक कंसेप्ट एरर के ऊपर हमारा और फिनिश हो गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ऑपरेशंस इन एरर। यानी जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा बेटा, कॉन्सेप्ट्स। यानी पहले मैं आप लोगों को उसका तरीका बताऊंगा, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसकी डेरिवेशन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अलजेब्रा इन एरर्स के अंदर।
ओके बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, वीडियो को पॉज करके अपना अच्छे से नोट आप कर लिया करो। हमारे पास में जो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा वो है एलजेब्रा इन एरर्स, ठीक है, यानी एरर्स के अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उन्हें हमें कैसे डील करना है, उन पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, एलजेब्रा इन एरर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, वो हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन की, एडिशन इन एरर, एरर के अंदर एडिशन होता कैसे है हम लोग इसकी बात करेंगे बेटा, एडिशन इन एरर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि कैसे होता है एडिशन। देखो भैया, सबसे पहले बेटा मैंने दो फिजिकल क्वांटिटी लेट करी, x1 को मैंने ये लिख दिया a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेट की x2, और x2 को मैंने लिख दिया b प्लस माइनस के डेल्टा b। ये मेरे पास में फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, ये मेरे पास में सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है, ये x1 है, ये x2 है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये इसकी एरर है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये इसकी एरर है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप इन्हें ऐड करना चाहते हैं ना बेटा, तो इनकी जो यूनिट है पीछे, यूनिट ये सेम होनी चाहिए, इनकी जो यूनिट है ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होगी भाई, आप मुझे खुद बताओ, क्या किलोग्राम में मीटर को ऐड कर सकते हो क्या, क्या ऐसे लिख सकते हो क्या 2 kg + 2 m = 4? नहीं लिख सकते हो ना। किलोग्राम के अंदर हम मीटर को ऐड नहीं कर सकते हैं, हम मीटर के अंदर मीटर को ही ऐड कर सकते हैं, हम किलोग्राम के अंदर किलोग्राम को ही ऐड कर सकते हैं, हम टाइम के अंदर टाइम को ही ऐड कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ एडिशन करने के लिए कि इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अब आप देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करता हूँ, x1 प्लस x2 अगर मैं करता हूँ, अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करता हूँ, ध्यान से बिल्कुल, तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करने से ये जो मेन वैल्यू है ये इस मेन वैल्यू में ऐड हो जाएगी। बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, मेन वैल्यू में ऐड हो गई। अगर मैंने x1 को x2 में ऐड किया, एडिशन किया, तो एडिशन करने पर क्या होगा, सबसे ज़रूरी चीज़ एक तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। दूसरा क्या है, मेन वैल्यू में ऐड होगी, और जो हमारी एरर वाली वैल्यू है वो एरर वाली वैल्यू में ऐड होगी। एडिशन करने में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा, मेन वैल्यू में ऐड होगी और जो एरर वाली वैल्यू है वो एरर वाली वैल्यू में ऐड होगी, ये आंसर हमारे पास में निकल कर आएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये कंसेप्ट है हमारे पास में एडिशन इन एरर। अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करते हैं तो उनके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि उनकी यूनिट होनी चाहिए सेम, और अगर उनकी यूनिट सेम है उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट सेम होने के बाद में क्या करना है, मेन वैल्यू में मेन वैल्यू को ऐड करना है और एरर वाली वैल्यू में एरर वाली वैल्यू को ऐड करना है, तब जाकर कहीं आप लोगों की बेटा एडिशन करके आपकी रिजल्टेंट क्वांटिटी निकलेगी। अब मैं दूसरे वाला भी साथ में आपको बता देता हूँ, फिर दोनों के एक साथ मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा बेटा। नंबर 2 है हमारे पास में सब्ट्रैक्शन इन एरर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन इन एरर। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है x1 और इसकी वैल्यू है a प्लस माइनस के डेल्टा a, ठीक है, और फिर हमारे पास में दूसरी वैल्यू है x2, इसकी वैल्यू है b प्लस माइनस के डेल्टा b। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ हमारे पास में दो क्वांटिटी थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हमारे पास में दो क्वांटिटी है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बेटा, इन दोनों की जो यूनिट है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम होगी तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने किया यहाँ सब्ट्रैक्शन, मैंने x1 में से x2 को माइनस किया बेटा, ये ऐसे किया मैंने,
मैंने माइनस कर दिया है x1 में से x2 को, सब्ट्रैक्शन मैंने कर दिया। जब एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मैं माइनस करूंगा तो क्या होने वाला है, ज़रा समझिएगा ध्यान से। जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे, ध्यान से, मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू माइनस हो जाएगी। जो हमारी मेन वैल्यू है ना बेटा ए, इसमें से बी माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी। मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू हमारी माइनस हो गई, लेकिन एरर वाली जो वैल्यू होगी, एरर वाली वैल्यू, वो हमेशा हमारी बेटा ऐड ही होगी। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। एरर वाली वैल्यू तो हो जाएगी हमारी माइनस, मेन वैल्यू तो हो जाएगी हमारी माइनस, लेकिन एरर हमेशा ऐड ही होगी। देखो एडिशन में भी ऐसा ही हुआ, मेन वैल्यू हमारी जुड़ गई, एरर वाली वैल्यू भी हमारी जुड़ गई। सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तो मेन वैल्यू तो हो जाएगी माइनस, लेकिन एरर वाली को अभी भी आप लोगों को ऐड ही करना है। तो ये कंसेप्ट होगा हमारे पास में एडिशन इन एरर, और ये है हमारे पास में सब्ट्रैक्शन इन एरर। अब मैं आपको इनके ऊपर कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा बेटा। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास में, जरा आप लोग देखें, फर्स्ट क्वांटिटी है एक्स वन इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस के 0.1 सेंटीमीटर, दूसरी क्वांटिटी है एक्स टू इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। हमारे पास में ना बेटा दो क्वांटिटी है, आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक हमारे पास में x1 है और एक हमारे पास में x2 है, दोनों की दोनों सेंटीमीटर में है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि दोनों की यूनिट सेम है या नहीं है। भाई इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, दोनों की यूनिट हमारी बिल्कुल सेम है, इसकी सेंटीमीटर है और इसकी भी हमारी सेंटीमीटर है। अब उसने हमें ये कहा कि भाई आप लोगों को करना है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इन दोनों क्वांटिटीज को आपको ऐड करना है बेटा, ये करना है आप लोगों को, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया ऐड करने के लिए, भाई बहुत ही आसान है, जब आप ऐड करोगे ना दो क्वांटिटीज को, तो मेन वाली वैल्यू में मेन वाली वैल्यू को ऐड कर दो। 20 में 10 को ऐड करोगे तो ये आ गया 30, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी आ जाएगा प्लस माइनस। ये है आपके पास में 0.1 और ये है 0.4। जब हम ऐड करते हैं तो एरर भी ऐड हो जाती है, तो 0.1 और 0.4 ये कितना हो गया हमारे पास में 0.5। यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो यहाँ भी आ गया हमारे पास में सेंटीमीटर। ये निकल गया इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर। अब हमें इसके अंदर निकालनी है बेटा रिलेटिव एरर। अब हमें इसके अंदर निकालनी है रिलेटिव एरर। कैसे निकलेगी रिलेटिव एरर, ज़रा ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी। रिलेटिव एरर निकालने का तरीका होगा, ये जो आपकी एरर वाली वैल्यू है इसे आप रखेंगे ऊपर, ये जो आपकी मेन वैल्यू है इसे आप रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। अभी 100 से नहीं करते हैं, सॉरी, अभी तो रिलेटिव निकाल रहे हैं ना, तो रिलेटिव में नहीं करते मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारे पास में 1/60, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। अब हमें निकालनी है बेटा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। अब हमें निकालनी है परसेंटेज एरर, कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर, वेरी इजी। रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, भाई रिलेटिव एरर कितनी है अपने पास में 1/60 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास में निकल कर आ गया है 10/6 परसेंटेज, ठीक है। देखो दो फिजिकल क्वांटिटी थी, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, दोनों की यूनिट होनी चाहिए सेम, और दोनों की यूनिट सेम है, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर है और इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर है। हमने दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में जोड़ दिया तो 20 एंड 10 ये हो गया है 30,
इसके अंदर हमने ये ऐड किया, ये हो गया है 0.5 और ये है अपने पास में सेंटीमीटर। ओके, रिलेटिव एरर हमने कैसे निकाली बेटा, इन दोनों को ऐड करके ये जो आंसर हमने बनाया है ना, इसकी एरर वाली वैल्यू को रखा हमने ऊपर, मेन वैल्यू को रखा हमने नीचे, समझ में आ रही बात। डिवाइड किया तो रिलेटिव एरर निकल गई, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई 100 से करी तो ये हमारी परसेंटेज एरर निकल गई। ऐसे हम क्वांटिटीज को ऐड करेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में है बेटा, हमें दिया गया है M1 इज इक्वल टू 1 kg प्लस माइनस 0.1 kg, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास में M2 इज इक्वल टू 2000 g प्लस माइनस 200 g, ये है क्वेश्चन हमारे पास में, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन अब दो इस पहले पूरे क्वेश्चन को ना आप अच्छे तरीके से देखें और ये देखें कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 कितना होने वाला है, कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 कितना होने वाला है। यानी एक आदमी ने ये सामान खरीदा, दूसरे आदमी ने इतना सामान खरीदा, दोनों के अंदर कलेक्टिवली एरर कितनी है हमें ये बताना है, दोनों के अंदर कलेक्टिवली एरर कितनी है हमें ये बताना है। लेकिन सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो पहली वैल्यू की जो यूनिट आपको दिखाई देगी वो है किलोग्राम केजी में, और दूसरी वैल्यू की जो यूनिट है आप लोगों की वो है ग्राम में। अब आप क्या करो, क्या तो आप दोनों को किलोग्राम में बदल लो भाई, क्या तो आप दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, या आप दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि किलोग्राम या ग्राम में ही कन्वर्ट करना है, बस हमें दोनों की जो यूनिट है ना वो सेम रखनी है, दोनों की यूनिट हमें सेम रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, हमने इस किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया। जैसे ही किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 kg का मतलब हो जाएगा 1000 g प्लस माइनस, ये 0.1 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100 g, ठीक है। हमने इस किलोग्राम वाले को ग्राम में बदल दिया, कैसे, 1 kg के अंदर 1000 g होते हैं, हमने 1 kg को लिख दिया 1000 g, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन गया 100 g। अब हमें निकालना है भैया कैपिटल M इक्वल टू M1 प्लस M2। अब M1 कितना है हमारे पास में 1000, M2 कितना है 2000, एडिशन है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास में 3000 प्लस माइनस, एडिशन कर रहे हैं तो एरर वाली वैल्यू में जुड़ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास में 300 g। लीजिए साहब, इन दोनों को जोड़कर ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें चाहिए रिलेटिव एरर, ये जो ये वाली वैल्यू बेटा आपको दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू इसे हम लोग कहेंगे डेल्टा एम, समझ रहे हो, और इसे हम लोग कहेंगे एम, ठीक है। रिलेटिव एरर निकालने का जो तरीका है अपने पास में वो है डेल्टा एम, यानी पीछे वाली वैल्यू को आगे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिलेटिव एरर निकल जाएगा। अब देखो बेटा, पीछे वाली वैल्यू कितनी है 300, एम कितना है हमारे पास में 3000, कैंसिल आउट, ये बन गया हमारे पास में 1/10, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। और फाइनली हम लोग निकालते हैं परसेंटेज एरर और देखते हैं कि परसेंटेज एरर कितनी होने वाली है हमारे पास में। बेटा परसेंटेज एरर होगी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, रिलेटिव एरर है 1/10 और मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट एंड द करेक्ट आंसर इज 10%। परसेंटेज एरर होगी हमारे पास में 10%, ये रिलेटिव एरर है। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन में करना हमें एडिशन ही है, बस दोनों में फर्क इतना मात्र है कि इसमें यूनिट हमें सेम दे रखी थी और इसमें हमने यूनिट को अपने आप से सेम बनाया, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया बेटा। तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं एडिशन के ऊपर बेस्ड, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको सब्ट्रैक्शन के ऊपर प्रॉब्लम बताता हूँ बेटा। वीडियो को पॉज करके आराम से अपना नोट डाउन कर लीजिए,
गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी चीज़ें आपको बताई हैं बहुत आराम से, बड़े प्यार से बताई हैं। बार बार मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं भैया कि मेरा पूरा सपोर्ट आप लोगों के लिए, मेरा पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है। 24/7 मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। देखो, मैं भी इस बात को समझता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ना इतना आसान नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा जब घर से बैठकर पढ़ता है तो समस्याएं उसके सामने आती हैं। लेकिन बेटा, हम आपको सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करा रहे हैं कि डेली हमारे स्टाफ मेंबर्स की कॉल आपके पास में आती हैं। हमने सैटरडे आप लोगों के लिए एक लाइव डाउट क्लास रख दी है। मेरा व्हाट्सएप, मेरी कॉल 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल है। थोड़ा सा आप लोगों को भी सपोर्ट और कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर कहीं पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत उस प्रॉब्लम को, चाहे वो आपकी रिगार्डिंग टू स्टडी हो, रिगार्डिंग टू काउंसलिंग हो, आप सब्जेक्ट चूज़ करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, टेंथ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम हर तरीके के एक्सपेक्ट के लिए आप लोगों के को सपोर्ट करने के लिए रेडी है बेटा, ठीक है। लेकिन आप लोग अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर ज़रूर करें कि क्या समस्या आप लोगों के सामने आ रही है। मतलब मैं रुड़की के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहता हूँ बेटा कि बच्चा कम पढ़ने के बावजूद भी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट ला कर दे। यानी वो जो एक रुड़की के अंदर से निकल चुका है ना कि भाई सिलेक्शंस नहीं होते हैं ना मेडिकल में ना आईडीज़ में, उस चीज़ को हम वापस लौटाना चाहते हैं यहाँ पर बच्चों को क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड करा के। अब वो क्वालिटी स्टडी आप कैसे लेते हैं वो आप लोगों के हाथ में है, उस चीज़ को आप कैसे गेन करते हैं वो आप लोगों के हाथ में है। बाकी मेरी पूरी टीम यहाँ से लगी हुई है कि आप लोगों तक एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड पहुँचाया जाए, आप लोगों को एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, आपकी छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या को बहुत आसान चीज़ों में सॉल्व कराया जाए बेटा, ठीक है। चल, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3, T1 यानी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये हमें T1 दिया गया है बेटा। T2 है हमारे पास में 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यार, ज़रूरी नहीं है कि मास ही हो या लेंथ ही हो या टाइम ही हो, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपको दिया गया है टेम्परेचर और यहाँ भी आपको दिया गया है टेम्परेचर। आपको बताना है बेटा कि कैपिटल टी इज इक्वल टू T1 माइनस के T2 कितना होगा। देखो बेटा, आप देख रहे हो यहाँ आ रहा है माइनस साइन, यहाँ आ रहा है नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि भाई नेगेटिव साइन का पूरा कंसेप्ट क्या है। जब सब्ट्रैक्शन हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू को माइनस करते हैं। हम 40 में से माइनस करेंगे 20 को तो यह आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, और एरर वाली वैल्यू हमेशा ऐड होती है, चाहे सब्ट्रैक्शन आए चाहे एडिशन आए, एरर वाली वैल्यू हमेशा ऐड होगी बेटा। जो एरर वाली वैल्यू होगी हमारी वो हमेशा ऐड होगी, 0.1 डिग्री सेल्सियस। लो बेटा, सब्ट्रैक्शन करके ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसमें से इसे माइनस कर दिया, लेकिन एरर हमेशा ऐड ही होती है, ध्यान रखिएगा एरर हमेशा ऐड ही होती है। सो ये निकल गई बेटा हमारी मेन वैल्यू, ठीक। अब इसे हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, ये हमारा कहलाएगा डेल्टा टी और ये हमारा कहलाएगा टी। अब रिलेटिव एरर निकालने का तरीका क्या है, रिलेटिव एरर निकालने का तरीका है डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी कितना है हमारे पास में 0.1 और टी कितना है हमारे पास में 20, तो रिलेटिव एरर निकल कर आई हमारे पास में 1/200। अब चाहिए बेटा हमें परसेंटेज एरर, कैसे निकलेगी परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 में और रिलेटिव एरर है हमारे पास में 1/200, परसेंटेज एरर के लिए 100 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर निकला बेटा हमारे पास में 0.5%, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो बेटा, दो टेम्परेचर हम लोगों को गिवन दिए गए थे, दोनों डिग्री सेल्सियस में थे, सब्ट्रैक्शन हम लोगों को यहाँ करना था, बड़े प्यार से बड़े आसानी से हम लोगों ने यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दिया है,
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बेटा यहाँ हमने आपके सामने किया है सब्ट्रैक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, फिर हमारा सब्ट्रैक्शन का जो काम है और एडिशन का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, हमें दिया गया है L1 इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा हमें दिया गया है L2 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। हमें चाहिए कैपिटल L इज इक्वल टू L1 माइनस L2, ये हमें चाहिए बेटा। कैपिटल L इज इक्वल टू L1 माइनस L2। अब कैसे निकालेंगे हम कैपिटल L इज इक्वल टू L1 माइनस L2, ये आप लोगों को देखना है कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब आप देखो यार, ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, यानी तीन यूनिट तो सेम है, ये यूनिट सेम नहीं है। तो 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हमने लिख दिया है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हम लोगों ने लिख दिया है बेटा 100 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू निकालनी है L2 माइनस L1 की, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, हमें वैल्यू निकालनी है L2 माइनस L1 की। अब आप क्या करेंगे बेटा, L2 यानी यहाँ से इसे माइनस करेंगे, 200 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 100। आप जानते हो सब्ट्रैक्शन में हम मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू को माइनस करते हैं, और चूंकि L2 में से L1 को कर रहे हैं तो इसमें से इसे माइनस करेंगे और एरर वाली वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी 0.2 और 0.1, ये आ गया 0.3 सेंटीमीटर। ऐसे हम लोग इसे लिखने वाले हैं बेटा। इस क्वेश्चन में रिलेटिव एरर आप खुद से निकालें और परसेंटेज एरर आप लोग खुद से निकालें। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, फिजिकल क्वांटिटी को एरर के टर्म में लिखने का क्या तरीका है, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब यह है कि क्या तो सामान आपको ज़्यादा मिला है या सामान आपको कम मिला है। अगर प्लस आता है तो शॉपकीपर ने आपको सामान ज़्यादा दिया है, और अगर माइनस आता है तो आपको सामान कम मिला है, ठीक है। एरर के अंदर एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसके ऊपर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि अपने डाउट्स को खुलकर हमारे सामने रखें, जिससे कि हम आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर पाएँ चीज़ों को सीखने में और चीज़ों को समझने में बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, वहाँ हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की बेटा। चलिए।